बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल, सेफ एंड हेल्दी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी गीता शर्मा मैडम वर्क एक्सपीरियंस टीचर आपके समक्ष आज हैं और आपको कुछ बताना चाहती हैं कि आप अपने घरों में बैठ के पढ़ाई तो कर रही होंगी, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ क्रिएटिव वर्क भी कर लिया जाए तो ये आपके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव होगा। तो जैसा कि पहले मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ कि आप बच्चों ने अपने पुरानी क्लासेस में बहुत अच्छा काम किया था, जो आपको बताया गया था कि रेपिटेशन ऑफ लाइंस किस तरह से करनी है या डिज़ाइंस किस तरह से बनाने हैं, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे उभार के दिखाना है आपको। तो उसी चीज़ को आज मैं रिपीट करते हुए आपको पहले तो पुरान एक रिवीजन करा देती हूँ कि आपने क्या बनाया था। पहले आपने अपने पुराने क्लासेस में मैंने आपको पैटर्न्स सिखाए थे, इजी पैटर्न्स बनाने। उन इजी पैटर्न्स को यूज़ करके आपने काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स बनाई थी। तो अब उन्हीं पैटर्न्स को आपको सुंदर पेंटिंग्स में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं और सभी पेंटिंग्स में आप देखिए कोई एक शेप आपको बनानी है। आपने एक बर्ड बनाया, पिकॉक बनाया, फिश की शेप दी, एक ट्री बनाया, उसके आसपास कुछ फ्लावर्स अपनी मर्जी से बना दिए आपने। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे इजी स्टेप्स और ये पैटर्न्स, जैसे आप देख रहे हैं इजी पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को यूज़ करके किस तरह से एक ब्यूटीफुल पेंटिंग आप बना सकते हो। आप सभी बहुत क्रिएटिव और क्रिएटिव बच्चे हो और कर सकते हो। तो आज सबसे पहले तो आपको मन में ये सोचना है कि वी कैन डू, हम कर सकते हैं। तो आज आपको मैं बताती हूँ कि यूजेस ऑफ पैटर्न्स इन मेकिंग ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। पैटर्न्स को यूज करके, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स को यूज करके आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कला को उभार के दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हैं। मन में से सबसे पहले ये निकाल दीजिए कि हम एक पेंटिंग नहीं बना सकते। जो बच्चों में एक डर होता है कि आपको एक काम करने के लिए दे दिया जाए कि हमें पेंटिंग बनानी है, आपको पेंटिंग बनानी है, तो पेंटिंग के नाम से ही आप में खौफ हो जाएगी, हमें कोई ड्राइंग नहीं आती, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम कैसे करें। तो आपको सिंपल स्टेप पैटर्न्स का यूज करना है। पैटर्न्स को, डिफरेंट पैटर्न्स को पहले आप बॉर्डर बनाने में यूज कर लीजिए और फिर अपने माइंड में एक पिक्चर रख लीजिए, आपको बर्ड, एनिमल, ट्री, फ्लावर, जो आप बनाना चाहते हैं फ्री हैंड आप उसको ड्राइंग कीजिए। ड्राइंग करने के बाद देखिए, जैसे मैं एक आपको करके बता रही हूँ कि मान लीजिए आपने एक यहाँ एक बर्ड बना दिया। बर्ड का आप देखेंगे, उसके बाद मैंने बर्ड की आउटलाइन को डबल किया है। डबल करने के बाद उसी पर उसी चीज को मैंने उसमें पास ये गैप्स आप देख सकते हैं, इनको भरा है और उसके अंदर ही आप कोई भी पैटर्न जो आपको ठीक लगे, ये पीकॉक है तो मैं पीकॉक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आपको जो ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न इसके अंदर यूज कर सकते हैं, मगर जो भी आप शेप बनाएं, जो भी आप आउटलाइन करें, आपने ये इसकी लीफ को करा है तो लीफ की आउटलाइन आप डबल जरूर कीजिए,
लीव की आउटलाइन डबल जरूर कीजिए, आई एम रिपीटिंग, आउटलाइन डबल करने के उसको छोटे छोटे इस तरह से गैप्स करके आप अपने इस पायलट पेन को यूज़ करके, पायलट पेन ले लो, ब्लैक पेन ले लो, बॉल पेन ले लो, जेल पेन ले लो, जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्स है उससे आप इसको कीजिए। आपको एक वाइट शीट चाहिए, ब्लैक पेन चाहिए, नहीं आपके पास कोई कलर है, आप ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए। जैसे ये पेंट ड्राइंग देखिए, जस्ट ब्लैक एंड वाइट है, कुछ नहीं करना इसमें, ब्लैक एंड वाइट। हमने एक शेप बनाई है, आउटलाइन की है, ब्लैक एंड वाइट है। नहीं है आपके पास कलर्स, छोड़ दीजिए। कलर्स हैं तो आपके पास रेड पेन भी होगा, ब्लू भी होगा। देखिए आउटलाइन करके ये पूरा बन गया आपका। अभी मैं स्टार्ट कर रही थी तो देखो उसके बाद ये इसमें आउटलाइन करके हमने इसकी, उसके बाद आप कोई भी कलर लीजिए, कोई भी। नहीं है हमारे पास कोई दूसरे कलर, हमारे पास रेड पेन है, ब्लैक पेन है, हमने उन्हीं को यूज करा है। ये तो एक बेसिक चीज है कि सबके पास घर में रेड ब्लू पेन होते ही हैं, आप उन्हीं को यूज कर लीजिए। और अगर आपके पास कलर्स हैं तो आप कलर करके अपनी पेंटिंग को, जो भी कलर आपको पसंद है, रेड ब्लू ग्रीन येलो ब्राइट कलर्स, अपनी मर्जी से एनी कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी ड्राइंग में दे दीजिए। तो आप ठीक है बच्चे, तो मैं अब आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने को जो मैंने ये बताया है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन सबको यूज करके अपनी क्रिएटिविटी से आप एक पेंटिंग को बनाएंगे और जब भी आपको स्कूल बुलाया जाएगा तो आप अपनी उस ड्राइंग को अपने साथ अपनी फाइल में लेके आएंगे, ताकि आपका आगे के नंबर ग्रेडिंग CBSE के वर्क एक्सपीरियंस के लग सके। तो आप अपने काम को शुरू कर दीजिए। काफी दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात को अच्छी मुलाकात में कन्वर्ट कीजिए और अपना काम को करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी आपकी कोई प्रॉब्लम। थैंक यू बच्ची।